now home kitchen to paint kitchen by mrs pooja sharma director indian aerosol with the biggest round of applause i want to request mr manish please do the introduction part for mrs pooja yeah yeah please dekhiye yahan par अगर आप कहें तो हम पाँच मिनट दस मिनट का ब्रेक ले सकते हैं वो क्यों लेना है उसका मैं आपको कारण बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो सेशन है वैसे तो हमारा लाइव जा रहा है यूट्यूब के ऊपर लेकिन ये सेशन जो हमारे साथ लेडीज आई हुई हैं हमारे जो कपल आए हुए हैं मैं चाहता हूं कि वो लोग भी आपके जो परिवार के लोग यहाँ पर होंगे अपने रूम्स में होंगे अगर आप उनको बुलाना चाहें या बुला सकते हो मैं दस मिनट का मैं मैम दस मिनट रोकना चाहता हूँ क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देम मैं माफी चाहूंगा मैम कि हम पहले उनको नहीं बता पाए लोगों को हालांकि आइटनरी सबको दी हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग के जो वर्ड्स उसमें कहा था हम चाहते हैं कि हमारे घर की लेडीज हमारे फैमिली मेम्बर्स वो हमारे साथ जुड़े वो हमारे बिजनेस को संभालें एज माई डॉटर इज रनिंग दिस इंडस्ट्रियल फॉर न्यूज पेपर तो हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने हमारे घर के अंदर लोग बैठे हैं इनका टॉपिक भी है फ्रॉम होम किचन टू पेंट किचन तो सर घर में खाना ही नहीं बनाना है ना बनवाना है और भी पेंट भी बनवा सकते हैं हम तरुण भाई बहुत कुछ हो सकता है अगर करना चाहे तो तो मैं मैम को कहूंगा दस मिनट अगर हम sure, रुके sure, क्या इफ sure, यू से no लेकिन आप लोग कहीं जाना मत किया कि दस मिनट का ब्रेक नहीं है ये दस मिनट मिनट का हम लोग ये सिर्फ कॉल करने के लिए कर रहे हैं अगर आप लोग बुला रहे हैं तो नहीं तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं मेरे को सर तरुण भाई की आवाज आ रही है कि मैं तो बुला रहा हूं भाई

राइट right? so तब तक भाभी जी आ जाएंगे देयर ड्यूटी इट बिकम्स देयर ड्यूटी लेट्स मोटिवेट द मेन या डेफिनेटली हां ये भी एक एक तरीका हो सकता है मैम कह रही है कि हम आपको मोटिवेट करेंगे हाउ यू कैन मेक योर बेटर हाफ्स यू नो ट्रैवल फ्रॉम द होम किचन टू पेन किचन ओवर टू पूजा शर्मा जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष जी आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव यहाँ पर आके एक विजन और प्रस्पेक्टिव ही डिफरेंट हो गया है so, ladies and gentlemen, i am standing before you to share my journey and highlight the significant role how women can play in the paint industry, especially when we are having a family business which is of the paint. my name is pooja sharma, and i hold a btech degree in chemical engineering. see, i was never a career-oriented woman. ये तो बड़ी राजसी परिवार में शादी होगी तो मैं उसको पढ़ पढ़ के बचपन में बड़ी खुश होती थी और मैंने सोचा था ठीक है ट्वेल्थ पास कर लूँगी कहीं से ग्रेजुएशन कर लूँगी और मैं तो ऐश ही करने वाली हूँ बट आई हैड लाइक फेट हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर मी सून आई गॉट ग्रेजुएटेड आई वॉज़ सेलेक्टेड थ्रू अ प्लेसमेंट बेस्ड ऑन माई मेरिट एंड आई वॉज वर्किंग विद डाबर द आर एंड डी सेंटर इन साहबाबाद अ ईयर लेटर आई गॉट मैरिड इन टू अ बिज़नेस फैमिली हु स्पेशलाइज इन मैनुफैक्चरिंग द पेंट्स इनिशियली आई वॉज़ क्यूरियस टू नो कि होगा क्या मैं कैसे अपनी फैमिली में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँगी कुछ कर पाऊँगी भी या नहीं कर पाऊँगी या yeah, ऐसे ही जाऊँगी अच्छी फैमिली है चलो शॉपिंग शुपिंग कर लेंगे घर में ऐश करेंगे ऐसे तो आई वॉज़ वेरी कूल अबाउट लाइफ कि कुछ करना नहीं होगा आई वॉज नेवर एम्बिश बट वर्क आता गया मैं काम करती गई एनी वेज फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा फ्यू डेज़ आफ्टर लेटर आई गॉट मैरिड आई स्टार्टड एब्जॉर्बिंग लाइक अ गुड गर्ल इन टू द किचन सो प्रिपेयरिंग डिशेज डेकोरेट करके खाना देना सबको एंड जस्ट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ सब ईजी होता है किचन में एक फीमेल के लिए इन्वॉल्व करना एंड जस्ट टू सिट एट होम आई यूज टू वॉच टी वी एंड डू नथिंग हस्बैंड भी ऑफिस जाते थे मेरे फादर इन लॉ भी ऑफ़िस जाते थे माई मदर इन लॉ वॉज इनकम टैक्स ऑफिसर शी ऑल्सो यूज टू गो सो आई यूज़ टू सिट अलोन घर पर पूरा मज़े करती थी दस दिन मज़े कर लिए पंद्रह दिन मज़े कर लिए उसके बाद मैं बिल्कुल थक गई यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा आई कम ऑन आई एम हैविंग अ केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री विद मी वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम सो मुझे लगा चलो ऐसा करते हैं घर में लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं वॉट दे आर इन टू I knew that they are into manufacturing of spray paints but What is the technology behind that? So I became a little curious. So and I started having discussion with my father-in-law ki aapne kaise work start kiya and that someday unki story why not I should also involve myself into the business. देखते हैं कुछ काम करके लेट मी सी कि मैं वो मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं एक्सप्लोर कर पाती हूँ अपनी एबिलिटीज़ या फिर मैं कहीं जॉब करूँ सो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट सो टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशन एंड क्या क्या प्रोसीजर्स हैं पेंट के आई थाट कि मैं फैक्ट्री जाना स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले बिकॉज आई एम हैविंग अ केमिकल बैकग्राउंड सो आई स्टार्ट डेडिकेटिंग माई सेल्फ वन टू टू आवर्स ऑफ एवरी डे टू माई फैक्ट्री घर में बात की कि चलो मेरे को एक ड्राइवर दे दीजिए आई आई डोंट ड्राइव सो मुझे ड्राइवर दीजिए आई गो टू द फैक्ट्री फैक्ट्री जाके बहुत बड़ा चैलेंज आया वर्कर्स मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे वो मुझे ट्रीट या जी कोई नमस्ते ना करे कोई हेलो ना करे सो आई थॉट कि मैं मुझे लग रहा था कि मैं करूँ क्या फैक्ट्री जाकर तो बट uh, मुझे लगा कि अब मैं एज अ बॉस तो एंटर नहीं कर सकती हूँ एज अ बॉस एंटर करोगे आप तो वो यही सोचेंगे अरे कल की मैडम आई है हमें क्या सिखाएंगी तो मैं उनको टोक भी नहीं सकती थी तो जब आई स्टार्टड फ्राम द डे वन मुझे लगा कि ये तो कुछ अजीब सा मॉल है और आई बेग योर पार्टन इफ यू आर फ्रॉम हरियाणा बट हरियाणा के लोग थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं एडजस्ट करने में जैसा मुझे लगा वहाँ पर मेरी फैक्ट्री में माई फैक्ट्रीज इन हरियाणा बहादुरगढ़ सो देन आई डिसाइडेड कि चलो ऐसा करती हूँ उनके साथ खड़े होकर कैंस के ऊपर जो स्टिकर्स लगाते हैं ना वहाँ से स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ उनके काम के समझती हूँ उनका परस्पेक्टिव समझती हूँ I spent around five to six months standing with them at the shop floor and understanding their way, how they are working, and understanding the core method of how to manufacture the can. can spray Then the whole family, then I used to discuss, come back from my, uh, from my work and uh, discuss all these thing with my family. They were very supportive and motivated. रोज़ बोल दे तुम ये काम के लिए थोड़ी ना गई हो फैक्ट्री तुम जाओ ऊपर बैठो ऑफिस में और ओवरऑल मैनेज करो बट सम हाउ आई वॉज नॉट लाइकिंग द आइडिया कि मुझे बेसिक तो पता नहीं है कि प्रोडक्ट बनता कैसे है और एकदम मैं जाके बॉस बन के बैठ जाऊँ देन आई दिस इंस्परेशन दिस क्यूरियासिटी दिस थर्स फॉर नॉलेज इट फोर्स मी टू डुवेल्प इन टू बुक And to start reading about what is actually the paint is and what is the chemistry which lies beyond the paint and what are actually the paints and what is this field of colors. So during my visits, I found myself drawn towards the mesmerizing colors of the paints, especially of the metallic pigments. नाइन एटीन नाइनटीन ईयर्स पहले मैंने जॉइन दिस कंपनी उस समय बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ रहा था कार्ड सारे सॉलिड की जगह मेटालिक शेड्स में टर्न हो रहे थे सो so, धीरे धीरे जो मेटालिक पिगमेंट्स है आई फाउंड इंटरेस्ट इन द मेटेिक पिगमेंट्स एंड मैंने स्टार्ट किया अपना वर्क इन द लैब बाई डूइंग शेड मैचिंग ऑफ द मेटेलिक सिस्टम मैं एक एक दिन में एटीन सैम्पल्स बनाती थी आई यूज टू स्टैंड आई और लाइट भी नहीं होती उन दिनों में बैटरी से वो चलता था सिस्टम विंग स्केल चलता था आई यूज़ टू मेक एटीन सैम्पल्स अ लोन स्टैंडिंग इन द लैब देर वॉज नो आर एन डी पर्सन दैट टाइम इन माई लैब वी यूज़ टू बाई पेंट फ्रॉम आउटसाइड एंड देन वी यूज़ टू कन्वर्ट दैट पेंट इन टू एरोसोल धीरे धीरे मैंने शेड मैचिंग की मेरे शेड्स कस्टमर एंड पे जाकर अप्रूव होने लगे दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ एंड आई दिस वे आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फैमिली बिजनेस सो देन इट टुक मी कपल ऑफ ईयर्स टू फुली कॉम्प्रीहेंड द इंट्रिकेट वर्किंग ऑफ माई बिजनेस आई टेल यू इट वॉज नॉट अ इजी पाथ कभी कभी सैम्पल्स फेल भी हो जाते थे तो घर पर आके मेरे हस्बैंड हु टेक्स केयर ऑफ द मार्केटिंग पार्ट कैसे सैंपल्स बना के भेज देते हो मेरे एग्जीक्यूटिव जाते हैं वहाँ जाके सैंपल रिजेक्ट हो जाते हैं तो कहीं एक फीलिंग डिजेक्टेड की भी होती थी या क्या गलती कर रही हूँ मैं ये बट आई वॉज डिटर्मेंट आई वॉज वेरी वेरी डिटमेंट कि नहीं गलती होगी तो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी बड़े हैं मुझसे समझा रहे हैं कभी गुस्से में कभी प्यार से लेट इट टेक इट इं टूस स्ट्राइव देन आई वॉज डिटमेंट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स वेन आई वॉज ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ बात बहुत सारे हार्डशिप्स भी आए एंड कुछ झगड़े भी होते थे कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे बट देन वी डिसडेड मी एंड माई हजबेंड डिस कि हम सामने घर आके कुछ ऑफिस की बात नहीं करेंगे हम जो भी बात करेंगे मेल पर करेंगे अदरवाइज दिस विल अफेक्ट आ पर्सनल रिलेशनशिप सो जो भी कॉन्वर्सेशन होगा रिलेटेड टू माई ऑफिस थिंग एंड रिलेटेड टू माई प्रोफेशनल लाइफ दैट विल भी टेकिन केयर ओनली इन मेल्स और थ्रू द मैसेजेज़ सो वी स्ट्रिक्ट फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वी डोंट डिस्कस बिजनेस इन आर होम सो दैट वॉज द प्रिंसिपल जो हम मैंने और मेरे हसबेंड ने तब से डिसाइड किया था एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि घर पर आके कोई बिजनेस नहीं घर पर आके इट इज़ टोटली अ फैमिली टाइप इन जब शेड मैचिंग में मेरे सारे शेड्स इंडस्ट्री के जगह से अप्रूव होने लगे सो इट गेन कॉन्फिडेंस इन मी जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स में नए शेड्स बनाती गई वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया उसके बाद आया लैब का वर्क देन माई फोकस स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम द शेड मैचिंग थिंग टू माई लैब आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इनिशियली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एडिटिवस कि छोटे छोटे एडिटिव की छोटी छोटी परसेंटेज पेंट्स में ऐड करने से एक मैसिव चेंज आ जाता है पेंट की परफॉर्मेंस में then i thought why should i not work on the raisin system then i started working on the raisin chemistry ki, resin ka kya hai, not, i'm not from a paint background but being a chemistry background i was having that kind of curious nature ki work karke, experiment karke to dekhte hai. then i started working on the raisin chemistry and soon i tried and worked on different formulations and i'll tell you i joined the company एज अ आर एंड डी केमिस्ट मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला मुझे कोई बॉस बन के नहीं जाना है कंपनी में गिव मी द बेसिक पोस्ट ऑफ अ आर एंड डी केमिस्ट एंड टुडे आफ्टर नाइनटीन ईयर्स आई हैव गेंड द डिजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर इन द कंपनी दैट टाइम एन आई जॉइन द कंपनी दे आर ओनली फोर प्रोडक्ट्स एंड टुडे फोटी फोर प्रोडक्ट्स आई एडिड इन टू द किटी ऑफ माई कंपनी today, indian aerosols is a, liberal, it's a leading company who manufactured aerosol spray paints. It is, it is a private limited company who was established in 1995. its sister concern, aeroaids corporation, i think so many of you are aware what aeroaids corporation is. it is the number one company of india who introduced the concept of touch-up spray paint way back in 18, 1987. Marked you, I'm marking my words, I'm repeating my words again. It is the first company in India who introduced the concept of aerosol touch-up spray paint in 1987, when there were no Google civil library books, and I am blessed and I am proud to be associated with such company. Now we are into manufacturing of automotive coatings and giving touch-up solutions to all the automotive sector, and we are supplying and we are part of all the automotive and to their ancillaries. And we also specialize in manufacturing the car care products. Now, what we are doing in aerosols? Just a, just a brief line. See, making a paint is a combination, is an amalgamation of few technologies. It's based on a resin technology, the stabilization between the pigment resin and the solvent, the additives. बट एरोसोल्स के अंदर एक और चैलेंज आता है टू वर्क विद द पेंट एंड एरोसोल टेक्नोलॉजी एंड प्रजेंट टू द कस्टमर और उसकी दो साल की शेल्फ लाइफ भी बतानी होती है सो इट वॉज़ ह्यूज चैलेंज प्रोडक्ट हम बनाते थे मार्केट में जाके फेल हो जाते थे बट आई नेवर एवर गेव अप आई नेवर एवर गेव अप कहीं ना कहीं एक स्पार्क था मन में कि कुछ होगा ज़रूर कुछ करूँगी कुछ बड़ा करूँगी एक दिन ना आई चोज़ दिस टॉपिक जब मनीष जी ने मुझे बोला कि मैम आपको कुछ वुमेंस को मोटिवेट करना है कि वाई दे के नॉट हेल्प इन द पेंट इंडस्ट्री जैसे आपने भी तो किया है आपने भी तो बिजनेस को आपने भी एक पिलर की तरह आप एक्ट किया और अपने बिजनेस को मैनिफोल्ड्स में ग्रो किया है सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई मेगल डेलीकेट्स हु आर सिटिंग देयर वी ऑल नो वन एस्पेक्ट ऑफ वुमेन इज़ मदरहुड दैट मीन्स दे गिव लाइफ टू द वर्ल्ड सिमिलरली वमेन की एक नेचर होती है एक बहुत ही नेशल नर्चरिंग नेचर होती है जो इंट्रीटिज होती है बिज़नेस की वो बहुत अच्छे से पहचानती हैं सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द मेल डेलीकेट्स कि आप उनको अपने बिजनेस में वेलकम करो एंड यू विल सी यूल मेक योर एंड हर लाइफ मोर कंफर्टेबल वेल ऑन अ लाइटर नोट टेल मी किस किस की वाइफ नैगिंग करती है चलो कहीं घुमा लाओ आज बच्चों के बच्चों के बहाने घुमा लाओ आई थिंक सो ऑल इव यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस फेस एम आई राइट और रॉन्ग किस किस की वाइफ बोलती है ऐसा तो नहीं है इतने तो ऐसा तो नहीं होगा मैं भी बोलती हूँ घर में जाकर किस किस की वाइफ बोलती कमॉन लेट्स रेज बी अ इंटरक्टिव ऑडियंस यस सो देस अ ट्रिप इज अ वेरी गुड ट्रिप टिप फॉर ऑल ऑफ यू इन्वॉल्व योर वाइफ इन टू द बिजनेस सबसे पहले तो बिजी रखेंगे आपकी इनकम ग्रो करती है एंड अबब ऑल अबव ऑल शी विल बी दार्ट ऑफ द हार्डशिप यू फेस इन द बिजनेस शी विल बी दार्ट ऑफ द हार्डशिप यू फेस इन द बिजनेस शी विल अंडरस्टैंड यू बेटर मैंने कहीं पढ़ा था और मोदी जी के एक भाषण में भी सुना था वही देश तरक्की करता है जिस देश की औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं तो क्या हम तैयार हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यस आवी सो डियर फ्रेंड्स आई हैव लर्न फ्रॉम माई सेल्फ फ्रॉम माई फादर इन लॉ हु एज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि बेटा जो मन में आए करो सारी फील्ड्स ओपन है बिजनेस में इन्वॉल्व होना है जहाँ मर्जी इन्वॉल्व होना है दिस इज योर बिजनेस आप एक पिलर की तरह एक्ट करोगे यहाँ पर अगर जो हमारे साथ खड़े हो गए एंड माई हजबेंड ही वॉज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आई नो हम सब में वो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम अपनी फीमेल पार्टनर को अपने बेटर हाफ को मोटिवेट करेंगे एंड आई एम श्योर दे विल मेक योर लाइफ स्मूदर

फिर क्यों समझे उसे बेचारी सो आई रिक्वेस्ट ऑल द मेल डेलीगेट्स कि शायद नेक्स्ट टाइम अपनी बेटर हाफ को एक फ्यूचर एंटरप्रेनर्स के रूप में आप लेकर आएंगे सो इट विल बी इट विल बी माय पार्ट एंड मुझे लगेगा कि मैंने किसी लोगों को मोटिवेट किया है एंड आई एम मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर ऑल द मेल डेलीगेट्स सो विद दिस गुड नोट विद अ पॉजिटिव नोट आई विश यू आर सक्सेसफुल एंड अ ब्लेस्ड ईयर हैड Thank you so much. Thank you, thank you very much. In order to say a big thanks, I would like to request Ms. Kanish Malotra, please come on stage and here with token of love, with so much of blessings on behalf of Paint Vision for you, Mrs. Pooja Sharma we give applause for this wonderful lady on stage and just adding to your part just adding to your part you know women if <laughs> she can create life ladies and gentlemen they can create anything business is a very small thing for any women telling you one fact so and one thing again, feminine energy is always, always means prosperity and money. So if you want more prosperity and more money to your business, add more feminine energy in your business, and you're gonna see a huge transformation. Thank you. So we're gonna have. I would, I would like to add one more thing. do you open the TV and Shark Tank, your wife will be standing asking for equity. So, with all the blessings and great life. So, this is for all the future women entrepreneurs. All the best. Thank you very much.